और चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, चूंकि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल आपको बताते चलें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी बैठक ली है, जहां बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सीएम ने ये बैठक बुलाई है। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सभी को अलर्ट भी किया गया है। बीते 3 दिन से प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और ऐसे में अब बाढ़ से हालात से निपटने के लिए सीएम ने ये बड़ी बैठक बुलाई, जहां आपको बता दें कि बीते 3 दिन से प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं नदी किनारे वाले जिलों को भी अलर्ट किया गया है। इधर बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात भी निर्मित होते नजर आ रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी बैठक ली, जहाँ बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। दरअसल बाढ़ के हालात से निपटने के लिए जहाँ सभी विभागों को अलर्ट किया गया है, इसके अलावा नदी किनारे बसे जिलों को भी अलर्ट किया गया है कि लगातार पानी, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है पानी गिरने की वजह से। ऐसे में अगर कोई इस प्रकार की घटना निर्मित होती है तो पहले से ही सरकार तैयार है, सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा नदी किनारे बसे जिले या नदी किनारे बसे गाँव के लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीते 3 दिन से प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरकार ने एक बड़ी बैठक बुलाई और बाढ़ से निपटने के हालातों पर उन्होंने समीक्षा की। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में बीते 3 दिन से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे जिले रहे जहां पर बाढ़ के हालात निर्मित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए सीएम ने बड़ी बैठक भी बुलाई थी। क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक में निकाला गया? बिल्कुल नैन्सी, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल जो बाढ़ के हालात हैं उन हालातों से निपटने के लिए जो है एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, और इसमें पूरे प्रशासन को और जिला प्रशासन, कलेक्टर को, एनडीआरएफ और पुलिस विभाग को, तमाम सारे जो विभाग हैं विभागों को जो है निर्देश दिए हैं। और लगभग जब कल रात को जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक कर रहे थे तो जो है नर्मदा और बेतवा समेत जो बड़ी नदियां हैं उनकी जिस प्रकार से जल स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के तमाम जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है, कलेक्टरों को अलर्ट किया गया है। जैसा कि आज जो है बरगी डैम के जो 7 गेट खोले जाने हैं उसको लेकर के भी नर्मदा किनारे वाले जो इलाके हैं उन इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया है। और उसके साथ ही जिस प्रकार से तमाम रायसेन में भयावह की बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिली, उसी प्रकार से प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई, उसको देखते हुए कि ताकि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, लोग जनजीवन परेशान न हो और बाढ़ से किसी प्रकार की कोई हताहत न हो, कोई जनहान न हो भारी बारिश को लेकर के, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो है तमाम जो प्रशासन के लोग हैं उनको अलर्ट मोड में डाला है और बताया है कि तमाम सारी चीजें जो है वो उपलब्ध कराएं और पल पल की नजर बनाए रखें। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल से जो है आज मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, यानी कि लगातार सरकार बाढ़ से निपटने के हालातों पर चिंतन मंथन कर रही है और इसी को लेकर सभी विभागों को भी अलर्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, और भी आगे अपडेट्स लेंगे आपसे।